एडवेंचर मांगा था या कुछ ज़्यादा एडवेंचर मिल गया। इस रोड से आया हूँ मैं, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, और मैं पहला बंदा हूँगा जो ये वाला रूट दिखा रहा हूँ मैं। खतरनाक चीज़ें तो है ना। ओ तेरी, अंदर डाल दिया इन्होंने। टाइम हो गया 1:30 और वापसी भी जाना है और फिर तवांग भी पहुँचना है, और ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होता जा रहा है यार, देख रहे हो। चल चल टाइगर, आज तेरी परीक्षा की घड़ी है। आ जाओ भाई, सारे आ जाओ। तो भाई अब ये जो कल्दन होम स्टे को छोड़ने का टाइम आ चुका है। हवा बहुत तेज चल रही है ये देखो, और इसमें मैं रुका 2 रातें, दिरांग को पूरा एक्सप्लोर किया। और ये भाई लोग आए हैं हैदराबाद से जो कि अरुणाचल प्रदेश को एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मारुति। मारुति सुजुकी। आपका? श्रीकांत। श्रीकांत। शशि। शशि। श्रीधर। श्रीधर। फनी। फनी। तो अब बाय बाय करते हैं तेंजिन भाई को और निकलते तवांग की तरफ। जर्नी। थैंक यू। फिर से मिलेंगे। कल बहुत मजा आया आपके साथ। बस आपको उछाल उछाल के यार थोड़ा सा दर्द हुआ होगा पीछे ना। मुझे तो मतलब एक दिन में एकदम पूरा एकदम काबू हो गया। भाई पता चला कि यूट्यूबर्स का मतलब स्ट्रगल क्या होते हैं, एक दिन में पता चल गया। पीछे बैठ के भाई परेशान हो गया कल। पूरा दिन बैठा रहा और मैं चलाता रहा, लेकिन मजा बहुत आया कल के दिन। और जो एक्सप्लोर किया हमने दिरांग को, वो व्लॉग काफी अच्छा बनेगा, है ना? श्योर, मजा डेफिनेटली। आई होप कि वो 10-20 मिलियन पार हो जाए। क्या बात है। अरे यार आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मतलब यार उल्टी सीधी चीज़ें आप शेयर करते रहते हो, रीले वगैरह जो ठुमका लगाती रहती है उनको शेयर करते रहते हो, उन्हीं को देखते रहते हो, कब यार अपने भाई को सपोर्ट कर रहे होगे। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो चैनल को, और मतलब यार जो करना है करो, तोड़ो फोड़ो जो मर्जी करो, लेकिन यार आपका भाई इतना मेहनत कर रहा है तो उसको थोड़ा तो सपोर्ट करो यार, ठीक है? तो चलो फटाफट निकलते हैं अब तवांग। ऑल सेट, बाइक भी तैयार हो चुकी है और निकला जाए अब। तो यहाँ से आप नंबर वगैरह देख सकते हैं कल्दन होमस्टे का। हेलो जी, मुझे नहीं पता कि आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई साहब पिछले वाली फुटेज की ऐसी तैसी हो गई जब मैं निकला। माइक का इशू हुआ क्या हुआ, अभी दोबारा चेक करके देखता हूँ कि सही आ रही है कि नहीं। थोड़ा सा तेज़ चलाएँगे तब पता चलेगा। तो ये है ओल्ड दिरांग टाउन, आप इसको ओल्ड दिरांग बस्ती भी बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था। तो छोटा सा ही है ये वाला, लेकिन जो मेन सिटी है वो इससे आगे पड़ती है, जो बड़ा दिरांग है। आई होप कि अब आवाज़ आ रही होगी, नहीं तो वाट लग जाएगी भाई साहब, वाट लग जाएगी। अब आ रही है आवाज़, पता नहीं यार क्या हो जाता है, कहीं कनेक्शन लूज़ हो गया क्या हो गया, पिछली वाली फुटेज में आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आई। सबसे पहले भराना है अब पेट्रोल, क्योंकि सिर्फ 2 बार दिखा रहा है। ये आ गया पेट्रोल पंप, तो यहाँ से भरवा लेते हैं पेट्रोल वहाँ। तो आज मैंने अपने जो ग्लव्स है वो चेंज कर लिए, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। जो दूसरे ग्लव थे, 1 मिनट, ये लो। तवांग में है पेट्रोल पंप? हाँ, तवांग में है, जंग में है। जंग में? अच्छा, बस 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 बस, ओके। अपना पेट्रोल फिल हो गया, गूगल पे हो जाएगा अगर नेट हुआ तो। अपना देखते हैं, जियो यहाँ पे चल रहा है दिरांग में, जियो और एयरटेल, लेकिन आगे बता रहे कि सिर्फ एयरटेल चलेगा, जियो बंद हो जाएगा। अब रोड तो भाई साहब बिल्कुल मक्खन बने हुए हैं, अभी 70-80 ऐसे भाग रही है पानी की तरह। हैट्स ऑफ बीआरओ, हैट्स ऑफ। अपनी आर्मी के लिए तो बहुत सही हो गया है, मतलब जल्दी ट्रैवल कर सकती है, जल्दी बॉर्डर पर पहुँच सकती है अगर कुछ होता है बॉर्डर्स पर। तो ये काम बहुत सही हुआ है कि जो बॉर्डर्स के रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी अच्छा हो गया पहले से। कितना तगड़ा पानी आ रहा है ऊपर से, मुझे तो आर्टिफिशियल लग रहा है ये, क्योंकि ऊपर से पानी कहाँ से आएगा, देख रहे हो? एक सेकेंड, ये देखो, वो ज़बरदस्त भाई, आर्टिफिशियल है भाई, आर्टिफिशियल है। देखो यहाँ से पाइप जा रहे हैं ऊपर। टाइम बिताएंगे सेला पास पे, क्योंकि वहाँ का नज़ारा खूबसूरत होता है हमेशा। अभी क्या है, हम फटाफट भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं।
अरे बियर की बोतल देखो कैसे भाग रही है। बियर की बोतल भी बोल रही है भाई मैं अकेली घूम रही हूँ, मुझे डस्टबिन में डालो। इस बियर की बोतल को रोड पे क्यों डाला तूने? प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको अपने इस बैग में डालते, कहीं पे डस्टबिन नज़र आएगा वहाँ पे इसको डाल देंगे। लो जी, तवांग रह गया है 107 किलोमीटर, जंग वाटरफॉल है 69, जसवंतगढ़ है 50 और सेला टॉप है 30। ये देखो अपने देश की शान, तिरंगा झंडा कितनी शान से लहरा रहा है। यहाँ पे तो फोटो लेंगे भैया, हम फोटो लेंगे। यहाँ पे शायद मेरी पहले भी एक बार फोटो है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये, इसके पीछे लगाएंगे धूप में, थोड़ी सी फोटो अच्छी आएगी धूप में जब रहेगी तो। पत्थर लेके आते हैं कोई, बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो गई, ये वाला लगा देते हैं, ये ठीक है। अब यहाँ पर लेते हैं एक फ़ोटोग्राफ, और ये जो फ़ोटोग्राफ है ये आपको देखने को मिलेगा, फ़ोटोग्राफ या फिर स्टोरी है, ये आपको देखने को मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। तो इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यार फॉलो कर लेना, वहाँ पर अच्छी अच्छी स्टोरी डाल रहा हूँ। हालाँकि आज नेटवर्क नहीं है, तो जैसे ही नेटवर्क आएगा मैं डाल दूंगा। वेलकम टू सेंगे जोंग, मुझे लगता है कि सेंगे विलेज का नाम है ये। सेंगे विलेज है सेंगे, SENGE। वेलकम टू टेबरांग TSE। यार बहुत सारे अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे हम, वैसे वैसे जो खूबसूरती है ना पहाड़ों की वो और ज़्यादा निखरती जाएगी। आगे के बादल देखो कैसे पहाड़ों के ऊपर छाए हुए हैं। कौन सा है ये फूल का नाम नहीं है कुछ इसका, कितना नाम नहीं जानते। देवी देखो कितना सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल। यहीं पे उगता है ये, अच्छा लग रहा है। क्या नहीं है, मतलब हार्ड है, हार्ड है निकालने में। अच्छा सी सुंदर, अति सुंदर। तो यहाँ से लोकल पौधे लेके जा रहे हैं, एक बार फोटो लेते हैं यार इसकी पौधे की। ये देखो कितना सही लग रहा है यार ये। मैं बाइक की फ़ोटो लेने के लिए रुका था, इन फूलों की ले रहा हूँ। अरे वाह, यहाँ से जो लैंडस्केप है वो काफ़ी चेंज होना स्टार्ट हो गई है। सेला वार वैरियर्स, यहाँ पर टूरिस्ट रुके हुए हैं। सेला वैरियर्स बैसाखी मिलिट्री स्टेशन, ओके। तो हम पहुँच चुके हैं बैसाखी गनयांग नांग। चाय पी सकते हैं यहाँ पे, लेकिन चाय पीनी नहीं है मुझे। और ये भी एक वार मेमोरियल है, शायद शॉपिंग वगैरह का भी कुछ था। तो काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर रुके हुए, हम तो बड़े आगे। देखकर हैरान रह गया हूँ यार, अभी यहाँ से 14-15 किलोमीटर रह गया सेला पास, और यहाँ तक तो रोड बना हुआ था। अब जाके लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा ख़राब है, हाँ यहाँ से थोड़ा सा रोड ख़राब है, लेकिन यहाँ तक तो भाई बिल्कुल सुतम सूत टॉपम टॉप रोड बना दिया है। यहाँ पर कहाँ जाना है, इधर जाना है। दो रास्ते जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है। किधर जाएगा रास्ता, इधर या इधर? सेला ये वाला कौन सा? अच्छा ये वाला है, ये वाला रास्ता कहाँ जाता है? सुरंग बन रहा है। अच्छा फिर डायरेक्ट निकल जाएगा ये? हाँ ये वाला बना रहा है। सेला निकलेगा या सेला क्रॉस कर देगा ये सुरंग? ये जंग ओ तेरी। तो जब बर्फ पड़ेगा फिर भी निकल जाएगा बंदा। सही। कब तक बनेगा ये वाला सुरंग? और तो कम से कम एक साल लगेगा। कितना दूर है यहाँ से? ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा और। देख के आऊँ? ओके चलो देख के आता हूँ। जो नई सुरंग बन रही है ना, देखो मैं उस टाइम पे जा रहा हूँ जब ये सुरंग नहीं बनी। जब बन जाएगी तो आप सेला पास डायरेक्ट क्रॉस कर दोगे नीचे के नीचे, जैसे अटल टनल होती है ना, पहले रोहतांग पास आप क्रॉस करते थे, ठीक है, ऊपर से जाके जो एडवेंचर होता था। लेकिन अब
क्या है कि अटल टनल से सीधा निकल जाते हो, वैसे ये सेला पास को बाईपास कर देगी, नीचे से निकल जाएगी, तो ऑल वेदर सुरंग बन जाएगी ये तवांग के लिए। बहुत ही ज़्यादा ओ तेरी ये है एडवेंचर, आ तो गया हूँ मैं, जा पाऊँगा कि नहीं। ओहो हो हो, ये भी लोग सोचेंगे कौन पागल आ गया। देखते हैं कहाँ पर है सुरंग। हेलो, ये सुरंग कहाँ बन रहा है? ऊपर ज्यादा दूर है, इसी तरफ से परमिशन है मेरे ख्याल से, खुला नहीं है। अच्छा खुला नहीं है, देख सकते हैं कहाँ पर बन रहा है? हाँ। देख सकते हैं कहाँ पर बन रहा है? हाँ। कहाँ पर? इधर दिखेगा यहाँ से? नहीं नहीं, सुरंग देखने के लिए आ रहे। वैसे ही मैं देख रहा था हाँ कि कहाँ से बन रही है, फिर कभी आऊँगा तो पता चले कि सेला पास तो बंद हो गया, नीचे से ही निकल जा रहे हैं। यहाँ से नहीं दिखेगा? थोड़ा आगे से तो सही से देखा है कभी। अच्छा देखते चलो कहाँ तक पहुँचता हूँ। अकेला जाना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन जाएगा मैं। देखो यहाँ पे पूरा कीचड़ है, ओह बच गया फिसलते फिसलते। स्कॉर्पियो बोल रहे जा रहा है, कोई बंदा नहीं आया होगा अभी, पहली बार मैं जा रहा हूँ यहाँ पर। ये देखो कितने ऊँचे ऊँचे पत्थर है भाई, यहाँ से निकलना आसान नहीं है। स्कॉर्पियो तो चला जाएगा क्योंकि बड़ी गाड़ी है। ओके हेलो, पता पता है रास्ता बंद है? नहीं नहीं मैं ऐसे ही देखने जा रहा था। हाँ हाँ पता है, कितना है दूर? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर है? ओ बाप रे, वो ऊपर 7 किलोमीटर है? बाइक जाएगा? अच्छा टनल जाने नहीं देगा? जाने नहीं देगा, वो उधर काम कर रहा है ना। अच्छा पार तो हो गया? पार हो गया, गिरता है टनल के अंदर में ना। अच्छा पत्थर गिरता है। टाइम तो है अपने पास, चलो। ये बोल तो रहे 7 किलोमीटर है और मैं पहला बंदा हूँगा जो ये वाला रूट दिखा रहा हूँ मैं, अनएक्सप्लोर्ड अरुणाचल। तो ये हुआ कुछ एडवेंचर खतरनाक वाला। हालांकि सेला पास दूसरी साइड है अभी और ये बोल रहे हैं कि सुरंग से निकल सकते हैं, सेला पास से होते हुए, मतलब सेला पास नहीं पड़ेगा अगर सुरंग से निकल जाए तो। देखते हैं, अगर निकल गया लेकिन फिर सेला पास देखने को नहीं मिलेगा तो सुरंग तक जाऊँगा, वापसी आऊँगा, कोशिश करता हूँ सुरंग तक जाने की। अच्छा है अपना छोटा टाइगर है, बड़ा टाइगर में थोड़ी सी दिक्कत होती है यहाँ पर क्योंकि वो भारी बहुत है। ओए शाबाश, बस यहाँ पर टायर पंचर वंचर ना हो। आज मेरा जो पंप है उसकी भी बैटरी डाउन है। ओ बेटे की जान, ऐसा फोर्टीला पास था जब मैंने किया था पूरा, पहला गियर पहला गियर। चल बेटा ये देखो कीचड़ ही कीचड़, आगे से चढ़ेगा, ट्राई करते हैं। फंस गया तो देखी जाएगी, फंसेगी तो फंस जाएगी, लेकिन ये रूट बहुत अलग है। चल चल टाइगर, आज तेरी परीक्षा की घड़ी है। निकल गया, वापसी में भी झेलना पड़ेगा इसको। हाँ तो गए थोड़ा सा ऊपर, अरे तो बहुत दूर लग रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा दूर है, क्लच प्लेटों की वाट ना लग जाए ऐसे। ओके 7 किलोमीटर बता रहे हैं ऊपर जाना है और ऐसा रोड वाट लगा देता है। एडवेंचर मांगा था या कुछ ज़्यादा एडवेंचर मिल गया। यहाँ से कितना है सुरंग? सुरंग कितना है सुरंग? सुरंग यहाँ से आपको पड़ जाएगा 6-7 किलोमीटर। 6-7 है? अच्छा ये वाला जो है जरूर नहीं है। हाँ हाँ वहाँ से बन गया है वैसे? बन गया है लेकिन अभी कुछ काम तो होगा उसका। पार होने के लिए नहीं, नहीं पार नहीं जाएगा, वैसे ही मैं सोच रहा था उस पर देखता। वैसे ही जा सकते हैं। देखो ट्रक कैसे जा रहे हैं, जेसीबी लगी हुई है, काम चल रहा है तगड़े वाला जोरों शोरों से। स-
सबसे ज़्यादा डर मुझे ऐसी जगह लगता है क्लच का। एक्चुअली क्लच बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखते हैं आज क्या होगा। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। हेलो, जस्ट वो सुरंग देखने जा रहा था। हाँ, नेक्स्ट का भी नेक्स्ट लेवल। ओ हो 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 हो, कहाँ जा रहा हूँ मैं। हाँ, ये तो और ज़्यादा ख़राब है भाई। किधर आ गया मैं, पैर स्लिप हो रहा है, मैं स्लिप हो रहा हूँ। बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए। अभी भी बहुत ऊंचा यार, ये पहाड़ देखो फट गई। एक फोटो लेते हैं, रुकिएगा, रुक तो जाएगा शायद। ऐसी तैसी हो गई पूरी की पूरी, सांस फूल गया। ओह, गिरे जा रहा हूँ। बहुत ही खतरनाक टेरेन है यार अभी तो। ये देखो, वहाँ जाना है मुझे टॉप में। टाइम हो गया 1:30, और वापसी भी जाना है, और फिर तवांग भी पहुँचना है। और ये कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक होता जा रहा है यार। देख रहे हो पूरी वैली गजब की लग रही है, ख़तरनाक सी भी लग रही है। और इस रोड से आया हूँ मैं। बड़े बड़े पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर। इस पे चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बाइक फिश टेल कर रही है, टायर स्लिप कर रहा है, लेकिन अपना वाइट टाइगर अभी तक तो साथ दे रहा है यार। होप सो ऊपर तक पहुंच जाएं और सुरक्षित वापसी आ जाऊं मैं। अबे क्या हो गया, स्टार्ट नहीं हो रही। हो गई, चलो। पानी भी आ रहा है नीचे। ओ बेटे, बच गई। तो एक भाई बता रहा है कि आगे रास्ता बंद है, तो आगे नहीं जा पाऊँगा, यहीं से वापसी ले रहा हूँ। और वो जो पॉइंट है वहाँ पर पूरा लैंडस्लाइड, मतलब कि बुलडोज़र वगैरह ने सारा कुछ ब्लॉक कर रखा है, तो इससे ज़्यादा आगे जाना सेफ भी नहीं है मेरे को लगता है। और मौसम भी ख़राब हो रहा है, और मुझे सेला पास भी क्रॉस करना है, और यहाँ से भाई चढ़ाई भी ज़्यादा हो गई है। तो सूझबूझ वाला काम तो यही है कि वापसी ले लो, नहीं तो वाट लग जाएगी। ऊपर से रास्ता भी बंद है, पता नहीं कितना देर वेट करना पड़ेगा। पीछे हो जा बेटा टाइगर, यहाँ से वापसी चलते हैं, फिर कभी आएंगे तो क्रॉस करेंगे जब रोड बन जाएगा। कोई नहीं, इतना भी आ गया वो भी बहुत है यार। सिर्फ 1.5 किलोमीटर रह गया था, और 1.5 किलोमीटर से थोड़ी सी निराशा हो गई कि नहीं जा पाया, आगे रास्ता बंद है। आगे जेसीबी ने पूरा पहाड़ तोड़ रखा उस कोने पे, वहाँ पे। ये देखो, जस्ट मैं पहुँच चुका था, 1-2 टर्न बाकी थे फिर पहुँच जाता, लेकिन आगे रास्ता ब्लॉक था। तो यहाँ तक पहुँचा हूँ जी। ऑलमोस्ट सुरंग बन चुकी है, जस्ट मेरे ख्याल से 1-8 साल के अंदर ये खोल देंगे। 1 साल में बन जाएगा ये पूरा? अच्छा, 1 साल में नहीं बनेगा, मुश्किल है, ऊपर मौसम ख़राब हो रहा है। चलो जी, यहाँ तक भी आए वो भी काफ़ी है। अपना फुल्ली लोडेड टाइगर यहाँ तक आ गया, वाइट टाइगर। तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा, और एडवेंचर हो गया यार, ज़बरदस्त वाला। तो अगली बार जब आऊँगा तो शायद ये वाला रोड बना हुआ मिलेगा, और सेला पास के नीचे से निकल जाऊँगा मैं। ओ भाई साहब, पता ये क्या है, ये इतने सारे पड़े हुए हैं, क्या ये? ब्लास्टिंग मेटल, ब्लास्टिंग बॉम्ब। हाथ में पकड़ सकते हैं? दिखाना। ओ भाई, इससे बहुत तेज ब्लास्ट होता है, पूरा ये वाला चट्टान उड़ जाएगा। ओहो, ये देखो भाई, खतरनाक चीज़ है तो, है ना? आप कैसे करते हो, डर नहीं लगता? डर नहीं लगता, अभी हम लोग का
ड्यूटी है यही है। अच्छा ड्यूटी है ये, देखो यहाँ पे, ओ तेरी, अंदर डाल दिया इन्होंने तीन, ये पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, ये तो खतरनाक चीज़ है बे। ये देखो यहाँ पे जगह जगह होल कर रखे हैं, यहाँ पे ये बॉम्ब्स डाल रहे हैं। अरे भाई वहाँ तक है, हाँ हाँ हाँ, एक फ़ोटो खींच दोगे मेरी इसके साथ, बॉम्ब के साथ? ये लो मैं पकड़ता हूँ इसको, उठा लूँ, डर लग रहा है मुझे। उधर बाइक के साथ, बाइक के साथ, इधर 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 से, ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं नहीं उसको मोड़ लो यूं करके, हाँ यूं, हाँ उंगली ना आए, बाइक आ रही है पूरी, थैंक यू। ये तो ख़तरनाक चीज़ है भाई, क्या लिखा हुआ है इसमें, सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड, चकदो बाजार गांव नागपुर इंडिया, डेंजर एक्सप्लोसिव्स 83 mm इंटू 2.78 kg। माय गॉड, इसको तो उठाते हुए भी डर लग रहा है मुझे। थैंक्स अ लॉट। कहाँ से? मैं दिल्ली। हो, मैंने पहली बार देखा और पहली बार हाथ में उठाया ये, गजब हो यार तुम भी, खतरों के खिलाड़ी हो। लाइसेंस चाहिए इसके लिए, हाँ। कितने सारे पड़े हुए हैं देखो, अनगिनत, पूरे रोड पे बिछाएंगे ये, फिर उड़ा देंगे पूरे रोड को। वो देखो एक होल वहाँ पे पहाड़ में कर रखा है, जगह जगह वायर से कनेक्ट करेंगे इसको, फिर एक बार। अच्छा इसको उड़ाते कैसे, फिर मशीन होता है क्या होता है? अच्छा बैटरी से, ओके, मतलब कनेक्ट किया बैटरी से, का पॉइंट लगाया, ब्लास्ट, क्या चीज़ होता है, ओके ये होता है, दिखा ना, ओके तो इससे कनेक्ट करते हैं और ब्लास्ट, बूम, हाँ बनना पड़ेगा, ओके ये सब कुछ सारे एक ही में कनेक्ट हो जाते हैं एक ही साथ ना, 200-250 होल, भाई दिस इज़ अमेजिंग। चलो निकलते हैं। आंखें बंद कर लिया मैंने और जो हवा है ना उसको फील कर रहा हूँ। बाप रे बाप, ये तो भयंकर हो गया यार, भयंकर। Salir y se suelta, pongo el reggaeton pa' mí, que muñeca, me gusta salir y se dosis.